You are just planning to begin your preparation for civil services examination. आपके मन में कोई शंका संदेह ना रहे, कोई मिथ आपको परेशान ना करे, तमाम तरह की किंवदंतियां आप सुनते होंगे लोगों के मुंह से, लोगों की जुबानी। पता चला कहीं किसी मित्र से आपने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान आपने बोला कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मेरा मीडियम हिंदी है, हो सकता है झटके मोदे जवाब दे दे कि हिंदी मीडियम में तैयारी करने से बेहतर है कुछ और कर लो, और वो लॉजिक भी देंगे। लॉजिक क्या देंगे? वो बोल सकते हैं कि देखो जी, अगर हम टॉप 100 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची निकालें तो आप 90-95 स्टूडेंट्स सीधे सीधे इंग्लिश मीडियम से पाएंगे। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है तो क्यों है, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। दूसरी बात, क्या आप इंग्लिश मीडियम से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है? क्या कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है? मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, डू यू एंजॉय सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस? इज इट राइट और रॉन्ग? इस पर हम लोग बात करेंगे। अगर हिंदी मीडियम से रिजल्ट कम हो रहा है तो आखिर उसके पीछे मूल वजह क्या है, इस पर भी बात होगी। तमाम बातें आप सुनते हैं कि हिंदी मीडियम में रिक्वायर्ड कंटेंट उपलब्ध नहीं है वगैरह वगैरह, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या जो अपेक्षित अध्ययन सामग्री चाहिए होती है सिविल सर्विसेज एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए, क्या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को उसका अतिरिक्त लाभ मिलता है? हिंदी मीडियम के छात्रों को क्या वो लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर इन छात्रों की अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनकी सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्या ये इम्पैक्ट करती है? इन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि सपोज यू हैव डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन इंग्लिश मीडियम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, वेदर यू शुड ज्वाइन दिस कोचिंग क्लासेस और नॉट, इस पर भी बात करेंगे कि क्या कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ती है अगर आपने सपोज हिंदी मीडियम से अपने को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर लिया, चाहे जो भी वजह रही हो, तो क्या ऐसा करने के बाद आपको तुरंत कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर बिना ज्वाइन किए भी आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में हम लोग ये भी बात करेंगे, चूँकि आपको मालूम होगा मैं कल के अपने सिंपोजियम लेक्चर में बताया था कि हम लोग बेसिकली इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जहां बहुत ही कम फी पे, बहुत ही कम शुल्क पे आपको पूरे सिलेबस कराए जाएंगे फॉर IAS प्रीलिम एज वेल एज मेंस बोथ। जनरल स्टडीज़ की क्लासेस आपको दी जाएगी चारों पेपर की, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी, और काफ़ी उम्दा फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलेंगे जो अपने अपने सब्जेक्ट के मूर्धन्य एक्सपर्ट होंगे, मूर्धन्य जानकार होंगे, और तय मानिए आपको वही माहौल मिलेगा जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में बैठकर पढ़ते हैं। इतना तो तय है ना कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो बातें मैं लिख रहा हूँ या फिर लिखूँगा, आप आसानी से उसे समझ पाते हैं, आपके हर डाउट्स साथ साथ क्लियर होते जाते हैं। और जब लाइव क्लासेस होती है तो आप तो देन एंड देयर अपनी क्वेरी को एड्रेस करा लेते हैं, तो कहीं से कोई समस्या नहीं आती। तो बात करेंगे इस पर भी कि ये कितना कारगर आपके लिए साबित होगी इन तमाम बिंदुओं पर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जिन मुद्दों पर हमें डिस्कस करना है उनको हम लोग सूचीबद्ध कर लेते हैं, उनको एनलिस्ट कर लेते हैं। हैव अ लुक प्लीज। पहली बात, वेदर वन शुड प्रिपेयर फॉर CSEs, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना, CSEs
in English medium or in Hindi medium. ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा. हालांकि आप अंत में पाएंगे कि हमारे डिस्कशन का कंक्लूडिंग पॉइंट भी यही होगा, लेकिन चूंकि मस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है इसलिए मैंने इसको पहले क्रमांक पे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर पे रखा है. दूसरा, इसका मतलब हुआ कि क्या हमें अंग्रेजी माध्यम में सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए या फिर हिंदी माध्यम में. ये मैं एक कैंडिडेट के लिहाज से ये पॉइंट चयनित किया हूँ, सेलेक्ट किया हूँ. अक्सर अभ्यर्थियों के मन में ये बातें आती है कि अगर मैं तैयारी करूँ तो आखिर किस मीडियम में करूँ, इंग्लिश में करूँ या फिर हिंदी में करूँ. क्योंकि अभी आप देखेंगे कई दफ़ा ऐसी डायलेमेटिक कंडीशन आती है एक कैंडिडेट के जेहन में. जैसे सिंपल सी बात बताऊँ, अगर मान लीजिए कि आपने 12वीं तक की पढ़ाई साइंस सब्जेक्ट से करी है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि प्लस टू स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स अगर साइंस बैकग्राउंड से है या साइंस का स्टूडेंट है तो आमतौर पे उसकी मीडियम इंग्लिश होती है. फिर अगर ग्रेजुएशन में भी साइंस या मैथ का स्टूडेंट है तो नॉर्मली उसकी मीडियम इंग्लिश ही होती है, बट उसके पहले यानी प्लस टू से पहले वो सब कुछ हिंदी में पढ़ा होता है. कुछ बातें ये भी होती है कि जैसे मान लो अगर प्लस टू से पहले जो भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स वो पढ़ा है 10वीं तक, वो सब कुछ हिंदी में पढ़ा होता है. और चूंकि जब सिविल सेवा की तैयारी करने का निर्णय लेता है तो आमतौर पे आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज का जो मेजर सिलेबाई है वो बेसिकली प्रो ह्यूमैनिटीज है. आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना. तो यहाँ पर वो खुद को थोड़ा कन्फ्यूज पाता है कि आखिर करें तो क्या करें. आर्ट्स हमें हिंदी में बेहतर समझ में आती है लेकिन साइंस इंग्लिश में समझ में आती है. अब एग्जाम तो आप सिविल सर्विसेज की दोनों मीडियम में साथ दे नहीं सकते, आपको कोई एक पार्टिकुलर मीडियम सेलेक्ट करना होगा और उसी में क्वेश्चंस को आपको रिस्पॉन्ड करना होगा. तो ये एक बड़ी ही डायलेमेटिक सिचुएशन होती है डिसीजन लेने के लिए, खास करके मीडियम के रिगार्डिंग बात करेंगे इस पर. दूसरी बात, वाई देर इज अ ह्यूज गैप इन सक्सेस रेट कंसर्निंग कंसर्निंग द मीडिया लाइक इंग्लिश एंड हिंदी. यहाँ मीडिया शब्द से कन्फ्यूज नहीं होंगे, मीडिया मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से, जो दूसरा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है, कि इंग्लिश मीडियम में सक्सेस रेट क्यों ज़्यादा है हिंदी मीडियम की तुलना में, है ना. तीसरी बात, एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कोचिंग क्लासेस कितना मैटर करती है, कितना प्रभावी हो सकती है, है ना. और जो चौथी बात होगी, वो ये कि चूंकि हम आपके लिए इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन बेस ला रहे हैं तो व्हाई यू शुड प्रीफर अस. अगर आपने प्लान कर ही लिया है कि आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उस संदर्भ में आप हमें वरीयता क्यों देंगे, आखिर क्या कुछ हम आपके लिए नया लाने जा रहे हैं, इस पे बात होगी. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं
whether one should prepare for civil services examination, either in English medium or in Hindi medium. Okay, basically मूल रूप से मैं यहाँ English versus Hindi की बात करूँगा. देखिए जी, बात चाहे अंग्रेजी की हो या हिंदी की हो, ये दोनों लैंग्वेज है. और आपको मालूम है लैंग्वेज किसे कहते हैं? ये बेसिकली आपके संप्रेषण का एक माध्यम होती है. जब भी हम भाषा की बात, आप लोग अक्सर जब भाषा शब्द को परिभाषित करते हैं तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए, है ना, वाग्य यंत्रों की सहायता से जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करता है वही भाषा है. स्कूली दिनों से ये बात आप पढ़ते आ रहे होंगे. सामान्य अर्थों में अगर मैं कहूं तो एक तरह से कह सकते हैं अपने को संप्रेषित करने का एक माध्यम. तो फिर भाई इन माध्यमों में इतना भेद क्यों है? वाई सच अ लार्ज गैप प्रिवेल्स बिटवीन दिस टू मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. Why UPSC prefers English over Hindi language? आखिर कुछ तो कारण होंगे. देखिए, इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता कि English medium में success rate बहुत ज़्यादा है. थोड़ी ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है, है ना. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे अपील करने वाला हूँ कि आप मेरे English medium batch को join करें. अपील तो करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद इस बात को समझ सकें. आप चाहे इसे कटु सत्य कहें या महज सत्य कहें, इंग्लिश मीडियम की सक्सेस रेट हिंदी मीडियम की तुलना में बहुत ज्यादा है सिविल सर्विस. अगर आप पिछले 3-4 वर्षों के रिजल्ट, मैं बहुत पास्ट में नहीं जाना चाहूंगा, अगर रिजल्ट उठाकर देखें तो टॉप 100 में मुश्किल से 2-3 लोग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. और आपको ये भी मालूम है कि जो टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, नियर अबाउट अगर हम औसतन बोले तो 700 से 800. अब लगातार वैकेंसी की दर भी घटती जा रही है. एनीवे, हमें घटी हुई दर को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि घट रही है तो कभी बढ़ भी जाती है. बट इतना तय मानिए कि आमतौर पर जो CSE एस्पायरेंट्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी की जो प्रीफ्रेंस होती है वो IAS की होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा. और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए अगर मान लीजिए 700 सीटें हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से, तो अगर आप तय मानो टॉप 100 में नहीं है तो आपको IAS नहीं मिलेगा. और मान लीजिए आप हिंदी मीडियम में हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी मीडियम में 2 से 3 लोग आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आज के दौर में. हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि टॉप 100 में 6-7 लोग भी हिंदी मीडियम के आए हैं, बट अमूमन ऐसा नहीं होता. यह भी सच्चाई है कि हिंदी मीडियम से अब तक कोई टॉपर नहीं हुआ है. टॉपर का मतलब फर्स्ट रैंक नहीं आई है, थर्ड रैंक तक मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि रैंक है हिंदी मीडियम के साथ. एनीवे, थर्ड रैंक भी कम नहीं होती. तो एक बात तो सही है कि माना कि फर्स्ट रैंक हिंदी मीडियम को अब तक नहीं मिली है, ठीक है, बट यहां तक तो पहुंच गए. यानी एक बात तो तय है कि फर्स्ट रैंक भी मुश्किल नहीं है, लाने वाले ला सकते हैं, बट अभी तक नहीं आया. तो जाहिर सी बात है एक वाजिब सा सवाल आपके मन में हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडियम की वजह से ऐसा हो रहा है. लोग अपने अपने तमाम तर्क दे सकते हैं इस पर, लेकिन इसकी बुनियाद में कई सारी वजहें जिम्मेदार हैं. जैसे बताऊं आपको, आमतौर पर आप देखे होंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की जो बैकग्राउंड होती है, जो उनकी पृष्ठभूमि होती है, अपेक्षाकृत हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स से साउंड होती है, बेहतर होती है. जैसे आप सोचिए, आपके परिवार में या आपके समाज में कुछ बच्चे सपोज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं,
और कुछ बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप खास करके नॉर्थ इंडियन पट्टी से हैं तो सरकारी स्कूलों में तो मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी ही होता है, तो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। और जो कन्वेंट वगैरह में, मान लीजिए जो लोग शहरों की तरफ प्रवास कर गए हैं और शहरों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अमूमन वो कन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, जिसको सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में फी के नाम पे कुछ नहीं लगता, लेकिन कन्वेंट में अगर आपने दाखिला दिलाया है अपने बच्चे का, तो वहाँ आपको भारी भरकम फी पे करनी पड़ती है, यानी खर्च उठा रहे हैं। खर्च कौन उठाएगा? जिसकी आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत होगी, वन हु इज ऑफ साउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो एक तो बैकग्राउंड का इम्पैक्ट होता है। खैर, ये इम्पैक्ट इतना भी नहीं होता कि केवल माध्यम की वजह से आपको सिविल सेवा से बाहर करा दें, ऐसा नहीं है। मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, एक एक बातें। कोर डिफरेंस पे मैं पहुंचूंगा, बट अभी जो बेसिक बातें, बुनियादी, जो खुद आप समझ सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि मेरे बताने पर ही आप समझें, थोड़ा चिंतन करेंगे तो आप खुद भी पाएंगे कि नहीं, ये यथार्थ की बातें हो रही है, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। इसके साथ पहला जो वेटेज मिला वो ये बैकग्राउंड, ठीक है जी। दूसरी बात, ये तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात किया, अगर हम सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका भी बड़ा इंपैक्ट होता है। सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित सेवा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कई सारे वेरिएबल्स एक साथ काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर आया है और पता चला कि वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में या दिल्ली में रहकर, तो उसके घर वाले से ज़्यादा उसके जो दूसरे परिजन हैं, अड़ोस पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय बन जाता है कि अच्छा ये तो कलेक्टर बनने गया है। और फिर जाने अनजाने में उनकी कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके पास, आपके प्रति होती है, क्यों कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में एक बाधक बनती दिखती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन बाधाओं को आप दरकिनार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट कुछ हद तक ये भी प्रभावित करता है। आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि उस प्रेशर को कई सारे कैंडिडेट झेल नहीं पाते हैं, और जिसका एडवर्स इम्पैक्ट उनकी प्रिपरेशन पर पड़ता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो सामान्यतः उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है वो थोड़ी प्रोफेशनल टाइप की होती है। प्रोफेशनल इन अ सेंस कि उनका जो अपना एक एटमॉस्फेयर डेवलप हो चुका होता है, एक परिवेश विकसित हो चुका होता है, उस परिवेश में अमूमन ऐसे कम लोग होते हैं जो आपकी टांग खिंचाई करें, लेग पुलिंग करें। तो देखिए सोशल आस्पेक्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इन दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को। मैंने क्यों कहा कि जिनके घर में थोड़ा प्रोफेशनल माहौल है, जिनके समाज में थोड़ा प्रोफेशनल माहौल है, वो इन बातों पे गौर नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने में परेशान है, उसके पास समय नहीं है कि फला का बेटा या बेटी क्या कर रही है, चार साल से प्रयागराज में रह रही है, अभी तक पीटी नहीं निकाल पाई वगैरह वगैरह, ये चर्चा नहीं होगी वहाँ। लेकिन अगर आप अति सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं, आप यूँ कह लो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, तो वहाँ लोगों के पास खूब समय होता है। जब आपके पास खुद का कोई काम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? दूसरे के बारे में बातें करेंगे? क्योंकि अपने बारे में आप कितनी बातें करेंगे, लोग कितना झेलेंगे, आपको नहीं सुनेंगे। और जब दूसरों की बातें होती है तो वो बातें आपके घर परिवार तक पहुंच के आती है, और फिर जब सुबह शाम आप अपने घर पर बात करते हैं तो वो सारी बातें आप तक पहुंच जाती है, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में बाधक बनती है। आप उस पर सोच विचार में लग जाते हैं, यार बड़ा समय लग गया, क्या करें क्या ना करें। अब मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, कन्वेंट स्कूल में आपने पढ़ा है। मैं कोई कन्वेंट स्कूल का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब कि हिंदी और नॉन हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी और नॉन हिंदी मीडियम स्कूल या कॉलेज जो भी कल, तो शहरों की जिंदगी तो आपको मालूम ही है, पड़ोसी पड़ोसियों से मिलना भी कई दफा तीन तीन चार चार दिन पे होता है, या बाहर कभी मिल गए तो हाय हेलो हुआ, फिर आप अपने घर में, वो अपने घर में, तो इतना वक्त नहीं होता लोगों के पास कि आपसे पूछे कि आपका बेटा दिल्ली में तैयारी कर रहा है, क्या हुआ 3 साल से कुछ खबर नहीं लगी।
तो हिंदी मीडियम बच्चों की तरह आप उतना यहाँ परेशान नहीं होते, एक वजह ये रही। तो यहाँ कहने का मतलब दे आर मोर प्रैक्टिकल। चलिए यहां पर तो मैंने सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात किया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रिपरेशन के लिए वेल प्लान्ड हो जाते हैं, मीन्स वंस यू डिसाइडेड टू गो ऑन फॉर प्रिपेयरिंग दिस एग्जामिनेशन, व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या घटित होता है? देखो जी, हर कोई शुरू में आपको बताएगा कि चलो साहब अपनी प्रिपरेशन की प्राइमरी स्टेज में एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ो वगैरह वगैरह। रेगुलर न्यूज़पेपर, अब यहां से डिफरेंस पैदा होना शुरू होता है। अब जब बात होगी एनसीईआरटी की, तो भाई वो तो हर कोई पढ़ के गया होता है। आप 12वीं क्लास तक कमोबेश एनसीईआरटी का पैटर्न एक जैसा ही होता है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड की भी अगर टेक्स्ट बुक आप उठाएंगे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 10% का वेरिएशन होगा। अब तो मुझे लगता है कि यूनानिमसली हर जगह एनसीईआरटी पैटर्न ही चल रहा है। एनीवे, यहां पर एक और बैकग्राउंड जुड़ जाता है आपका, एडुकेशनल बैकग्राउंड। अब जरा सोचिए, 10वीं तक तो कोई फर्क नहीं होता, यू विल फाइंड नो डिफरेंसेस अमंग्स द स्टूडेंट टिल देयर 10th स्टैंडर्ड, ओके 10th स्टैंडर्ड ऑफ स्कूलिंग आई एम सेइंग। 10वीं के बाद फर्क दिखने लगता है। जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के साथ जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो थोड़े से ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले यानी आर्ट्स बैकग्राउंड वालों से ज्यादा मेहनती होते हैं। मेहनती इसलिए होते हैं कि उन्हें मेहनत करना उनकी मजबूरी होती है, अदरवाइज वो साइंस में फेल हो जाएंगे, और आर्ट्स वाले यहीं से थोड़ा डिट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। 10वीं तक हर कोई बराबर पढ़ाई करता है, सबका इंटेंशन एक होता है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल किए जाए। लेकिन अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं एंड वन हैज डिसाइडेड टू टेक व्हाट आर्ट्स एंड अदर हैज डिसाइडेड टू टेक साइंस फॉर प्लस टू, ऑटोमेटिकली आर्ट्स वाला थोड़ा लेथार्जिक हो जाएगा, वो थोड़ा स्लगिश हो जाएगा, उसे लगता है कि कम मेहनत में भी हम अच्छा कर लेंगे, कोई बात नहीं। साइंस वाले के साथ मजबूरी होती है कि कम मेहनत किया तो अच्छे अंक नहीं आएंगे, अच्छे अंक नहीं आएंगे तो फिर बड़ी मुश्किलें होगी। तो एक फर्क तो ये, और इससे भी पहले अगर दूसरा फर्क देखा जाए जो वास्तव में पहला फर्क कहा जाना चाहिए, कि आखिर 10th के बाद कोई स्टूडेंट आर्ट्स और साइंस लेता ही क्यों है? अमूमन आपने देखा होगा जिसके मार्क्स 10th में कम होते हैं वो आर्ट्स के साथ जाता है, जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं वो अमूमन साइंस सेलेक्ट करता है, साइंस चूज करता है। तो एक तो बेसिक फर्क ये भी है जो यहीं से शुरू हो जाता है, 10वीं क्लास से ही शुरू हो जाता है, एडुकेशनल बैकग्राउंड में वेरिएशन। मैं कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहा, ऐसा अपवाद भी हो सकता है कि 10th में किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए अगर उसका ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो संभव है वो प्लस टू में आर्ट्स ले लिया, ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से, ऐसा कर सकता है। बट अमूमन ऐसा नहीं होता, अमूमन जो थोड़े जिसको आप कह सकते हैं, कहते ना कि काबिल स्टूडेंट, जो काबिल होता है वो साइंस के साथ जाता ही, ये कट हो सकते हैं। एक तो अगर उसकी परफॉर्मेंस रेट देखेंगे तो शुरू से ही साइंस वाले की परफॉर्मेंस रेट आर्ट्स वाले से बेहतर होती है, प्लस टू में भी वो अच्छी पढ़ाई करता है, प्लस टू के बाद वो जब ग्रेजुएशन करेगा तो ग्रेजुएशन के दौरान आपने देखा होगा कि साइंस वाले भी बच्चे मैक्सिमम आर्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को, क्योंकि उनको इतनी छूट होती है कि अगर आप साइंस के हैं तो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लस टू तक आप आर्ट्स से हैं तो ग्रेजुएशन आपको आर्ट्स से ही करना पड़ेगा, आप बीएससी वगैरह नहीं कर सकते। तो चूंकि 12वीं तक अच्छे से पढ़ा है, अच्छा कॉलेज मिल गया उसे, आजकल देखे होंगे कॉलेजेस में भी, अच्छे कॉलेज में बिल्कुल स्कूलों की तरह पढ़ाई होती है, तमाम पीरियड्स बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से अपने समय पे लगेंगी, आपको आपकी जो अटेंडेंस रेट है वो भी 80-90% होनी चाहिए,
तो ग्रेजुएशन तक वो स्कूली माहौल में रहते हैं, आप कह सकते हैं। रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, असाइनमेंट्स करना, और फिर जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन कर चुके और सिविल सर्विसेज को जिन्होंने लक्षित किया है कि हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है। अब देखिए, आपको नहीं लगता कि ये गैप तो बहुत पहले से बन गया है? इवन 10वीं के बाद से ये गैप बन चुका है। अब आर्ट्स वाले बच्चे क्या होगा प्रिपरेशन करने के लिए? चूंकि अमूमन आपने देखा होगा कि सामान्य पृष्ठभूमि के लोग ज़्यादा सिविल सेवा की तरफ आकर्षित होते हैं। जिसका करोड़ों अरबों का शुरू से बिजनेस रहा है, मुझे नहीं लगता कि वैसे लोग आमतौर पर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। करते भी हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, उनकी प्रतिशत बहुत कम होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड वाले लोग ही मिलेंगे, खास करके आर्थिक सामाजिक रूप से। अब यहाँ आने के बाद सपोज आपने किसी शहर में पलायन किया कि हाँ वहाँ जाकर शायद सिविल सेवा की तैयारी का अच्छा माहौल मिल जाएगा, अच्छे सोर्सेस मिलेंगे, कोचिंग क्लासेस की फैसिलिटीज़ रहेंगी, ये तमाम चीज़ें आप सोचते हैं। अब यहाँ अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट में गैप आप देखेंगे तो एक गैप यहाँ दिखेगा। जितने नेता नगरी टाइप के आपको दिखेंगे ना, वो अमूमन हिंदी मीडियम से उनकी संख्या ज़्यादा होती है, इंग्लिश मीडियम वाले कम होंगे। वजह, देयर सिंसियरिटी। वो अपना रोज का रोज असाइनमेंट करेंगे, अगर क्लासेस उन्होंने ज्वाइन करी है तो क्लासेस भी बड़ी प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन वहाँ इतना ही होता है कि टीचर अच्छे से चीज़ें पढ़ाए, स्टूडेंट अच्छे से चीज़ें समझ सके। जब तक ये मेंटेन रहा IVDV रिलेशनशिप, मीन्स इनडेफिनिट वेरिएबल और डेफिनेट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा ही प्रोफेशनल माहौल होता है, प्रोफेशनल रिलेशन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में। और आपको बता दूं, ध्यान देना, अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और सही मायने में बेहतर तैयारी करनी है इसके लिए, क्वालिफाई करने के लिए, और आपने मान लीजिए जाने में या अनजाने में कोचिंगें ज्वाइन कर ली, तो इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना कि आपको हमेशा प्रैक्टिकल रहना होगा, हमेशा प्रोफेशनल रहना होगा। आप देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ा गैप है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इनके अंदर आप प्रैक्टिकलिटी पाएंगे ज्यादा, प्रोफेशनलिज्म पाएंगे, हिंदी मीडियम में क्या पाएंगे, ये हाईली इमोशनल होते, बेहद इमोशनल, और ये इनका इमोशन इन्हें गलत तरीके से प्रभावित करता है, खास करके तैयारी के मद्देनजर अगर मैं बात करूं। आप पता चला कि टीचर की कोई बातें इन्हें अच्छी लग गई, कोई बात का मतलब पढ़ाई से अलग, तो अब ये उनके उस टीचर के भक्त हो जाएंगे, और भक्ति भाव में टीचर चाहे इनके सिलेबस की बखिया ही क्यों ना उधेड़ दे, ये उन्हें माफ कर देंगे। ये बड़े बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, और इनका बड़ा दिल होना ही इनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। फिर कोचिंग क्या करती है, उन्हें मालूम है कि ये लॉलीपॉप वाले हैं, इनको लॉलीपॉप दो और मोटी रकम इनसे वसूलो। फिर इन बच्चों के लिए इनके मेंटर्स, इनके संस्थान सीरियस तरीके से काम नहीं करते, इन्हें बरगला दिया जाएगा कि ये बड़े भारी भरकम टीचर हैं, इन्होंने तो सैकड़ों IAS पैदा कर दिया, बला बला तमाम चीजें, लड़का उसी से खुश हो जाएगा। ऐसी गारंटी दी जाएगी बड़ी बड़ी कि बस साल भर में सीधे यहाँ से क्लास करके निकलोगे, बड़ी सी गाड़ी, माथे पर लाल बत्ती, हम चिपका के भेजेंगे यहाँ से, और ये खुश। अब एक बार साबित हो गया, बता दिया गया कि ये बहुत बड़े टीचर हैं, अब वो टीचर क्लास में जाकर चाहे कुछ भी करें, ये कभी उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, ये कभी अपना सिलेबस नहीं देखेंगे कि अगर राजव्यवस्था की क्लास चल रही है और सिविल सेवा में राजव्यवस्था का आखिर क्या निर्धारित सिलेबस है, उससे इन्हें मतलब नहीं है।
चाहे गुरुजी ने सिलेबस की मटिया मेट कर दी हो, बस ये है कि इनके फ़ोन कॉल को गुरुजी रिस्पोंड कर रहे हैं, इनके मैसेज को बजाबते जवाब दे रहे हैं और मिल जाने पे पार्टी पुटी हो जा रही है, बड़े खुश। आपको क्या लगता है कि ये सब करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जस्टिस कर पाएंगे? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है नहीं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर बिजनेस। ऐसा नहीं करूं कि सबके सब ऐसे होते हैं, वहां भी कुछ लापरवाह मिलेंगे, बट जो उनकी दर होगी वो हिंदी मीडियम वालों की तुलना में कम होगी। नतीजा क्या होता है कि कोचिंग क्लासेस भी मजबूरन ही सही, उन्हें उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल साबित होना पड़ता है। वे आमतौर पे उन बच्चों को गुमराह नहीं कर सकते। एक सामान्य सी कहावत आप लोग सुनते होंगे हिंदी में, जैसी देवी वैसी पूजा, ये तो हर जगह लागू होती है। अगर साउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं क्लास में, तो आपको नहीं लगता कि टीचर को भी वेल प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा? वो भी तब जब स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, प्रोफेशनल हो। भाई उनकी जो वाजिब क्वेरीज है, अगर टीचर उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है तो आखिर स्टूडेंट क्यों टॉलरेट करे उसे? नतीजा टीचर्स को भी एक्सपर्टीज के साथ क्लास में आना होता है, स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक तरीके से क्लासेस अटेंड करते हैं, वाजिब मुद्दों पर बात होती है। देखिए एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा कि स्टूडेंट दोषी है कि टीचर दोषी है या फिर कोचिंग क्लासेस दोषी है। अमूमन आप सुनते होंगे कि सर क्लास में पढ़ाते समय थोड़ा एंटरटेनमेंट करिए। चलो ठीक है, ये टीचिंग का एक नॉर्म है, थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी भी होता है ताकि इंटरेस्ट लेवल आपका टॉपिक पर बना रहे। बट सबसे बड़ी बीमारी इसके साथ ये है कि ये इंटरटेनमेंट कई दफा फुल टाइम एंटरटेनमेंट बन जाता है, और फिर स्टूडेंट और टीचर दोनों सिलेबस को छोड़ देते हैं और फिर एंटरटेनमेंट ही होता है क्लास में। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो नॉन सिंसियर एटमॉस्फेयर है कोचिंग क्लासेस का, ये आमतौर पे हिंदी मीडियम क्लासेस में इसकी डिग्री बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि यहां के जो स्टूडेंट्स है वो व्यक्ति पूजक होते हैं, उन्हें क्वालिटी से मतलब नहीं कि टीचर कैसी क्वालिटी आपके सामने रख रहा है। वो देखेगा कि कितने शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग पे टीचर का चेहरा दिखा है कि नहीं, अगर दिखा है तो चाहे वो कैसा भी हो बच्चे मान लेंगे कि नहीं यही हमारे भगवान हैं, ये हमें क्वालिफाई करा देंगे। नतीजा अ ग्रेटर फॉल डाउन इन रिजल्ट। जब आप वाजिब वजहों से डेविएट हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है लक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। तो एक बात मैं बड़ा फ्रेंकली कहूंगा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के गिरने के पीछे बड़ी वजहों में से एक बड़ी वजह यह भी है, या मैं स्टूडेंट को दोषी नहीं दूंगा, स्टूडेंट को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट से ज्यादा जिम्मेदारी उसके मेंटर्स को लेनी चाहिए। बट क्या करेंगे, आप इसे पूरी तरह झूठला नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल वी आर द पार्ट ऑफ कमर्शियल एडुकेशन। हम सभी आज के दौर में व्यावसायिक शैक्षणिक व्यवस्था के हिस्से हैं। दुखद बात तब होती है जब आपसे भारी भरकम फी वसूली जाती है, आपके सपने को बेचकर मोटी रकमें वसूली जाती है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दोष किसको मर दिया जाता है? माध्यम को।
और निर्लजता की इम्तिहान तब हो जाती है जब लोग संघ लोक सेवा आयोग को ही दोषी ठहराने में लग जाते हैं। यहीं पर एक सवाल उठता है, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग, कोचिंग ज्वाइन करें या स्वाध्याय करें। अब देखिए जी, यहां दोनों मीडियम के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो चूंकि आपको मैं बता ही चुका हूं कि कोचिंगों के मद्देनजर क्लासरूम का सेटअप कैसा होता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर माहौल कैसा होता है, आपके ट्रेनर्स का क्या स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड डिफरेंस को कंसिडर करते हुए निसंदेह आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो ये मैं नहीं कहता कि कोचिंग क्लासेस यहाँ कारगर साबित नहीं होगी। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे के सारे हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूट्स अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं, बट बहुसंख्यक संस्थान नहीं कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मैं दिल की बातें कर रहा हूँ। आपको ये भी लग रहा होगा कि ये तो खुद ही कोचिंग वाले हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ सच्चाई शेयर कर रहा हूँ, आप कोई बच्चे नहीं हैं। आप जब सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ करते हैं तो आपको मान लिया जाता है कि यू आर मैच्योर एनफ टू डिसाइड फॉर यू व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, एटलीस्ट सच थिंग्स यू कैन इजिली डिसाइड। ये बातें तो आप खुद भी सुनिश्चित कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप कोई स्कूली बच्चे नहीं हैं। जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपको सामान्यतः छात्र ना कहकर अभ्यर्थी कहा जाना चाहिए, विद्यार्थी ना कहकर अभ्यर्थी बोला जाना चाहिए। यू आर एस्पायरेंट्स, यू आर नॉट द मियर स्टूडेंट्स। एकेडमिक के दौरान आप स्टूडेंट्स होते हैं, जब किसी बड़ी परीक्षा की आप तैयारी करने लगते हैं तो आपको वहां स्टूडेंट मानकर नहीं पढ़ाया जाता, कैंडिडेट मानकर पढ़ाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ स्टडी और कोचिंग क्लासेस दोनों के बीच बहुत ही थोड़ा सा गैप है, बहुत ही थोड़ा सा गैप। अगर समझदारी से आपने कोचिंग का चयन किया तो निसंदेह आपको फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम कोचिंग को अगर सपोज चूज करता है। यह भी बात क्लियर है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जैसा मैंने क्लासरूम का माहौल बताया, जैसा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की मैंने बात किया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को आमतौर पर टीचर चाहे तो कई दफा उसको आंदोलनकारी बना देगा। गुटबाजी, तमाम तरह की चीज, यही सब होती है, तमाम तरह की गंदगी आपको देखने को मिलेगी। आखिर उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या होगा? फाइनली यू विल बी द बिगर सफरर। इंटरव्यू के रिजल्ट्स को छाप के आपको बरगला लिया जाता है कि हमारे यहां इतने सिलेक्शन हो गए। अब बड़ा बड़ा फोटो देखते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, बस उसी धारा प्रवाह में बह जाते हैं कि नहीं साहब ये तो कोचिंग बड़ी अच्छी है, चलो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम कोचिंग ऐसा नहीं करती, वो भी करती, बट मेरा मानना है कि अपेक्षाकृत हिंदी वालों की तुलना में वो ज्यादा जस्टिस कर पाते हैं। और उसके पीछे बस एकमात्र वजह है, व्यावसायिकता में दोनों में कोई फर्क नहीं है, एकमात्र वजह यह है कि वहां इंग्लिश मीडियम की जो मेंटर्स की एक तरह से जो आपको लिस्ट मिलेगी या जिन मेंटर्स के अंदर आप गाइडेंस लेने वाले हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से आपको हिंदी वालों की तुलना में प्रभावी मिलेंगे। ये नहीं कहता ज्ञानी मिलेंगे, प्रभावी इन ए सेंस की उन्हें शायद इस बात का बेहतर आभास होता है कि हमें एक्चुअली सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्टूडेंट को नर्चर करना है ताकि उसकी प्रिपरेशन को बूस्ट किया जा सके, उससे बेहतर परिणाम हासिल किया जा सके।
और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार होता है तो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप ब्राइट स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है वहां टीचर को भी ब्राइट होना पड़ेगा। कोई ऐसे नहीं मुंह उठाया है जो मर्जी वही क्लास में टाइम काट के निकल गया, बट हिंदी मीडियम में ऐसा नहीं देखने को मिलता। नतीजा अब फॉल डाउन इन रिजल्ट। मैं कभी लैंग्वेज को दोषी मानूंगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आप कन्नड़ा मीडियम से एग्जाम देते हैं संभव है तो भी आप टॉप कर जाएं। अगर आप पंजाबी से एग्जाम दे रहे हैं, कई लोग पंजाबी मीडियम से टॉप 10 में आए हुए हैं, हिंदी मीडियम से भी आए। मीडियम यहां इशू है ही नहीं। मीडियम के बाद जो खेल होता है ना वो आपकी खेल को निरंतर बिगाड़ता है। बात करेंगे हम लोग सोर्स ऑफ रेफरेंस की, कंटेंट की, इसकी दुहाई देना भी ठीक नहीं है। आज के दौर में हर मीडियम में आपको बताऊं पर्याप्त मात्रा में अध्ययन सामग्री मौजूद है। कितना पढ़ना होता है आपको, क्या रिसर्च करना होता है? आप ऑप्शनल का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैक्सिमम उसका जो स्टैंडर्ड होता है ऑनर्स लेवल का होता है ग्रेजुएशन का। आपको लगता है कि उसके लिए बहुत नामी गिरामी किताबें चाहिए? अरे भाई आपका सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है आप उस सिलेबस को हैंड पिक करो और उसको मैच कराओ कि अमुक 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 टॉपिक हमें कहां से रेफर करना है। बड़ी इजिली आपको सोर्स डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, आप उस पर काम करिए। अध्ययन सामग्री की कोई कमी नहीं है। प्रचुर मात्रा में आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। तो कोई ये कह दे कि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बहुत है? नहीं। हाँ कुछ मामलों में मैं कह सकता हूं कुछ मामलों में कंटेंट यहां मैटर करता है, लेकिन उसकी भी रिमेडी आ चुकी है, उसका भी विकल्प मौजूद है आज के दौर में। जैसे आपसे कोई कहेगा कि हिंदू न्यूज़पेपर बड़ा पॉपुलर है भाई, उससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं मेंस में प्रीलिम्स में, नो डाउट बनते हैं, मैं इसको झूठला नहीं रहा। लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसका ठीक ठाक विकल्प आपके पास है तमाम ऐसी नेटवर्किंग साइट्स से, सोशल साइट्स से, जहां हिंदू न्यूज़पेपर का अक्षरशः आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, हिंदी में उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, उस पर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने समझने का मतलब यह हुआ कि जो एडिटर एडिटोरियल लिखा है उस एडिटर के बराबर की क्षमता हो तो भी हम उस पेपर के साथ न्याय कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए सपोज कि रोमिला थापर जी की मॉडर्न हिस्ट्री आप लाए खरीद के बुक, तो क्या आप यह अपेक्षा करते हैं कि उस बुक को पढ़ने के बाद आप खुद ही रोमिला थापर बन जाएं? ऐसा होता है क्या? नहीं। एक स्टूडेंट अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अनुसार जितनी चीजें चाहिए होती है उतना अगर सक्सेसफुली वहां से निकाल ले, दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो ठीक उसी तरह अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी हल्की भी है, हल्की मतलब थोड़ा कमजोर भी है, बट इतना है कि आप एडिटोरियल को पढ़ने के बाद एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, इशू के बारे में एक सामान्य ओवरव्यू आप जनरेट कर सकते हैं, दैट इज एनफ। समझ रहे मेरी बात? तो ये इतना मुश्किल नहीं है। आप ये कहें कि मैं हिंदी मीडियम का हूं, मैं कैसे पढ़ूं इतने भारी भरकम एडिटोरियल्स, इतने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के साथ लिखी हुई बातें? ऐसा नहीं होता। कंटेंट में बहुत बड़ा गैप यहां नहीं है, केवल व केवल अप्रोच, अप्रोच सबसे बड़ी वजह है। और उस अप्रोच के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्ट्स हैं या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, लेक्चर की शुरुआत से ही आपको मैं किसी न किसी रूप में बताते जा रहा हूं। तमाम कारकों की मैंने बात किया और आप पर्सनली इसको महसूस भी करेंगे अगर ईमानदारी से मेरी बातों को आप सुन रहे होंगे, तो आप व्यक्तिगत रूप से इसे महसूस कर सकते हैं। मैं आप चाहे किसी भी शहर में हो, मैं कहता हूं कभी टाइम निकाल के
आपके नजदीकी कोई भी संस्थान हो वहां एक बार जाओ। आजकल फैशन में भी अंग्रेजी मीडियम बैचेज चल रहे हैं, फिर भी उस कोचिंग के हिंदी मीडियम बैच में भी एक दिन क्लास करो, इंग्लिश में भी क्लास करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किस में मुझे एडमिशन लेना है, क्लास करके देख लो, क्लास की जो आबो हवा है दोनों में बदली हुई दिखेगी। और इस तरह के फर्क के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जिसे आप बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? आप देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये सब सुनने के बाद अगर आपको डिसाइड करना हो कि क्या हम इंग्लिश मीडियम में करें या हिंदी मीडियम में, पहली बात आपको बताऊं, ये किसी से समझने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज का आप सिलेबस निकालें, जो जो उसके कंपोनेंट्स हैं, किसी एक सब्जेक्ट का कोई पार्टिकुलर चैप्टर आप रेफर करो, इंग्लिश मीडियम की भी बुक उठाओ, हिंदी मीडियम की भी बुक उठाओ, दोनों को पढ़ो। हो सकता है आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको हिंदी वाली बातें ठीक से समझ में आएगी, इंग्लिश वाली बातें ठीक से समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश का कंटेंट सपोज हिंदी की तुलना में बेहद कम समझ में आ रहा है, तो मैं आपको कहूंगा आपको इंग्लिश मीडियम चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो इसी को कहते हैं प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना, कोई मतलब नहीं इसका। हिंदी मीडियम से बेहतर तरीके से आप तैयारी करते हैं, सही और गलत का ध्यान रखते हुए तैयारी के दौरान अपने निर्णय लेते हैं। यहां सही और गलत का मतलब कि पहली बात, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या स्वाध्याय पर फोकस करना चाहिए? अगर लगता है कि स्वाध्याय से आप बेहतर कर पा रहे हैं तो मैं साफ साफ कहूंगा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, अगर ऐसा करने से, कोचिंग ज्वाइन करने से हो सकता है मेरी प्रिपरेशन को थोड़ी मजबूती मिल सकती है, तो आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। यह आपका निर्णय हुआ। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम से थोड़ा ज्यादा आप हिंदी मीडियम में समझ पा रहे हैं, थोड़ा ही ज्यादा, और एक तीसरी केस ये हो सकती है कि आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर है, नीचे की दो कंडीशन में मैं कहूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम के साथ आ जाओ। ऐसा इसलिए नहीं कि अंग्रेजी भाषा है इसलिए ऐसा कह रहा हूं, मैं उस प्रोफेशनलिज्म और प्रैक्टिकलिटी को कंसीडर करते हुए कह रहा हूं। अगर आप पूरी तरह स्वाध्याय पे डिपेंडेंट है तो मैं कहता हूं अपनी पसंद की किसी भी लैंग्वेज में तैयारी करो, कोई समस्या नहीं आनी है। लेकिन अगर आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है ऐसा आप सोच रहे हैं, तब मेरा मानना है कि इंग्लिश मीडियम आपके लिए ज्यादा वेटेज कैरिंग होगा, आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आपको मैं पूरी बातें बता चुका हूं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं। यहां टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को कंसीडर करते हुए कह रहा हूं, यहां अपेक्षाकृत क्वालिटेटिव लेक्चर्स मिलेंगे आपको, टू द पॉइंट बातें होगी, बकवास आमतौर पे कम होता है यहां। हिंदी मीडियम में बकवास करना कई दफा टीचर की मजबूरी भी हो जाती है। यहां चूंकि पढ़ने वाली जेंट्री अपेक्षाकृत सिंसियर होती है, प्रैक्टिकल होती है, इसलिए बकवास की गुंजाइश बहुत कम होती है। विद इन टाइम फ्रेम आपका सिलेबस हो जाता है,
प्रॉपर तरीके से आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ यहां होता है। तो अगर कोचिंग ज्वाइन करनी हो और फिर मीडियम को लेकर वहां हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन दो सिचुएशन में, ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाली सिचुएशन में यानी इंग्लिश की तुलना में हिंदी बहुत आपकी मजबूत है, ये दो अर्थों में हो सकता है, या तो इंग्लिश आपको आती ही ना हो, केवल हिंदी ही आती हो, और केवल हिंदी आती हो तो इस पर भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, केवल आती हो तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ हिंदी में भी आपका क्या स्तर है भाई। दो बातें हैं ना, मान लीजिए दो लोग हैं, एक की अंग्रेजी भी ठीक ठाक है लेकिन उसकी अंग्रेजी की तुलना में उसकी हिंदी भाषा ज़्यादा अच्छी है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, कोई कहे कि दूसरे व्यक्ति की हिंदी बहुत अच्छी है, ये भी तो हो सकता है कि उसकी अंग्रेजी बिल्कुल सन्नाटा हो, तो अंग्रेजी बिल्कुल जीरो है तो दो डिग्री भी हिंदी हो तो बहुत अच्छी है अंग्रेजी की तुलना में, अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें तो। लेकिन दो डिग्री ज़्यादा होना क्या हिंदी एक भाषा के रूप में सिविल सेवा के वास्तविक स्टैंडर्ड को इस तरह से आप कह सकते हैं मेंटेन कर पा रही है? ये भी तो हो सकता है आपको हिंदी आ रही है लेकिन हिंदी भी ठीक से नहीं आ रही है, तो ये भी एक फैक्टर है। बट इसे नहीं सोचना है, क्योंकि दो मीडियम की हम लोग कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं या कंपेरेटिव परिचर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि ऐसी परिस्थिति में हिंदी के साथ जाइए। इसके अलावे अगर ये लगे कि नहीं इंग्लिश भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है, हिंदी इंग्लिश से थोड़ी कम ठीक है तो भी मैं कहूँगा, या फिर सॉरी इंग्लिश हिंदी से थोड़ी कम ठीक है तो ऐसे मैं कहूँगा कि इंग्लिश के साथ जाओ। अगर लगता है कि नहीं दोनों में आप इक्विटेबली कंफर्टेबल हैं तो अगेन इंग्लिश के साथ जाओ, अगर हिंदी की तुलना में इंग्लिश बहुत अच्छी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती, आंख बंद करके इंग्लिश के साथ जाएं। ये सारी चीज़ें रही आपके मीडियम को सेलेक्ट करने को लेकर। अब देखिए एक और बात जो शायद मुझे पहले ही करनी चाहिए थी, अभी ध्यान आई, कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि मैं तो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से हूँ और हमने साइंस की स्टडी अपने एकेडमिक दौर में इंग्लिश माध्यम में करी है, लेकिन सिविल सेवा का जो ये सिलेबस है, सिविल सर्विसेज एग्जाम सिलेबस, इसमें तो आर्ट्स के ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट्स मुझे हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, इंग्लिश में कम आता है, क्या करें? तो देखिए इसके लिए सिंपल तरीका है, इसका मतलब ये नहीं, कई दफ़ा क्या होता है कि कोचिंग क्लासेस आपको डाइल्यूट कर देती है, कई सारे ऐसे काउंसलर आपसे सवाल करेंगी कोई बात अपने मन में सोचो, देखो वो थॉट तुम्हारे हिंदी में आते हैं कि अंग्रेजी में आते हैं, दैट इज टोटली बकवास, आपको ऐसे बेवकूफों की बातें नहीं सुननी है, थॉट लाकर कौन सा पहाड़ खड़ा कर देंगे आप, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसे थॉट लाने की बात करें तो फिर हिंदी मीडियम से खास करके नॉर्दर्न इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे ही नहीं, लेकिन अब सिलेक्शन रेशियो देखिए बहुत ज्यादा है, शुरू से ही है, आप देखिए यूपी बिहार एमपी राजस्थान यहां से इंग्लिश मीडियम को भी स्टूडेंट्स निकलते हैं, अब उनके उनसे भी पूछो कि भाई जरा अपने दिमाग में थॉट लाओ कैसे आता है, इंग्लिश में आता है कि हिंदी में आता है, तो घर परिवार में मां बाप से हिंदी में ही बात करता है, जाहिर सी बात है थॉट हिंदी में ही आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंग्लिश मीडियम नहीं ले सकता? ये सब फालतू की बातें, ये व्यवसायिकता का एक पक्ष है कि बकरा आ गया काट दो, बारी भरकम फी ऐंठ लो, फिर वो रोता फिरेगा कि यार 6 महीना समय दे दिया होता तो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने में क्या था, 10वीं तक तो हिंदी मीडियम में ही था, 12वीं में साइंस मजबूरन इंग्लिश में पढ़नी पड़ी तो पढ़ा, ग्रेजुएशन में साइंस में कोई दिक्कत नहीं आई तो आर्ट्स भी तैयार हो जाता। कभी चर्चा करेंगे कि अगर इस तरह की परिस्थिति हो और इंग्लिश को लेकर डर लग रहा हो कि कैसे शिफ्ट करें हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं जो 50-50 कंडीशन में होते हैं, लगता है कि आधा सब्जेक्ट वो अंग्रेजी में पढ़ें आधा हिंदी में पढ़ें, अब किसके साथ जाएं यहां, तो एक ऑटोमेटिक वेटेज इंग्लिश मीडियम के साथ तो आपको मिल ही जाता है, आप समझ चुके हैं किन आधारों पर मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो 11th-12th की एनसीईआरटी है आर्ट्स की, एक बार उस पर ठीक से काम करिए इंग्लिश मीडियम पे, साइंस तो आप पढ़े ही हैं इंग्लिश में, आर्ट्स भी एक बार पढ़ डालिए, अब तय मानिए 4 से 6 महीने लगते हैं, यू कैन इजिली कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो
तो इस तरह के लोगों की बकवास में नहीं उलझना है। हाँ, एक जो नेचुरल बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, आप खुद से सोचिए, अगर कोई पैसेज या गद्यांश आपको हिंदी में लिखना हो और उसी बात को इंग्लिश में लिखना हो, तब खुद ही पाएंगे कि हिंदी की तुलना में थोड़ा इंग्लिश में आप स्पीडी तरीके से चीज़ों को लिख पाते हैं। वो बेसिकली लैंग्वेज के अल्फाबेटिकल नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी के समझदार हैं तो हिंदी भी देश में कई तरीके से बोली जाती है। अगर आप चले जाएं इधर वेस्टर्न यूपी या थोड़ा और अगर हरियाणा चले जाएं, हिंदी वहाँ भी बोली जाती है, लेकिन थोड़ी सी आपको लगती होगी कि इधर यूपी राजस्थान और एमपी की तुलना में कर्कस लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोगों में इमोशन नहीं है, वो अल्फाबेटिकल डिफरेंसेस का नतीजा है। वो इसे हिंदी में जहाँ भी देखेंगे, अगर सामान्य व्यवहार के शब्दों में छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा जो होती है, अगर उसका अभाव होता है तो आमतौर पे आपकी बोली कर्कश हो जाती है। जैसे दो शब्द का मैं एग्जांपल देता हूं, आप अगर किसी से बोलते हो कि अजी सुन रहे हो, सुना होगा आपने घरों में चाहे इधर उधर ऐसी इस तरह से अजी सुन रहे हो। अब अजी शब्द से ऐसा लगता है कि नहीं, बड़ा इसमें माधुर्य है, और अजी की जगह कोई बोले अरे सुन रहा है, तो जैसे आपने अरे बोला एक की मात्रा, तो देख रहे हैं थोड़ी सी इसमें हार्शनेस आ गई। तो सब मात्रा का खेल होता है। तो कहने का मतलब कि अल्फाबेटिकल नेचर के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम में अगर आप प्रश्नों का जवाब लिखते हैं तो थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ जाती है, कम शब्दों में अधिक बातें आप कर पाते हैं। तो ये एक नेचुरल बेनिफिट है। दूसरा नेचुरल बेनिफिट, आमतौर पे जो आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे, अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस सीख करते हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस की उम्मीद करते हैं, तो अपेक्षाकृत आपको एक्सपर्ट्स भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मिलेंगे, जिनके साथ आपका संबंध आपके सिलेबस को लक्षित करके होगा। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इस प्रोफेशनलिज्म का आप अभाव पाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट और टीचर्स या कोचिंग है, दोनों दोषी हैं। मैं कहूंगा टीचर और कोचिंग है ज्यादा दोषी हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये तो हम लोगों ने पहले मुद्दे पर बात की कि वेदर वन शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम और इन हिंदी मीडियम। ये कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है कि मैं एक शब्द में बोल दूं। इस सवाल का जवाब अब तक जो मैंने डिस्कस किया उसके आधार पर ही आप निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसके आधार पर अगर लास्ट में मैं एक कंक्लूडिंग वर्ड में बोलूं तो मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ज़्यादा वेटेज है हिंदी मीडियम की तुलना में, है ना। शायद यही सारे कारक हैं जिनकी वजह से आप देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको ये भी बताया कि केवल हिंदी मीडियम के होने की वजह से कोई ये मान ले कि मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हो सकता या फिर मैं अपेक्षित रैंक हासिल नहीं कर सकता, मैं इसे भी नहीं मानता। ये गलत बात है, कर सकते हैं आप। अब कोई अभी तक नहीं कर पाया या उतना अच्छा लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हैं? ये सारे कारक जिन पर हम लोग अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं, किसी एक कारक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। समझ रहे? तो पहले पॉइंट पे हमने देख लिया कि चाहे जिस तरीके से भी, जब पूरी बातें करने के बाद हम यही पाते हैं कि इंग्लिश के साथ आपको ज्यादा सहूलियत रहेगी या एग्जाम में एक एज मिल जाएगा आपको, है ना, इंग्लिश मीडियम के साथ। दूसरा, व्हाई देयर इज अ ह्यूज गैप इन सक्सेस रेट कंसर्निंग द मीडिया लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। मुझे लगता है कि अब तक के डिस्कशन में हम लोग अपने दूसरे पहलू को भी समझ चुके हैं। तीसरा पहलू है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वर्सेस कोचिंग क्लास, वो भी मैं बता चुका हूं। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग क्लासेस, और दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करते हुए हम लोगों ने बात की। हम तीसरी बात भी यहां समझ चुके हैं।
हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस और सेल्फ स्टडी दोनों में बड़ा ही माइन्यूट गैप होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए गैप थोड़ा स्टूडेंट के लिए फेवरेबल होता है। कहने का मतलब कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस का बेहतर फायदा उठा सकते हैं एज कंपेरिजन टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, है ना। और चौथा जो पहलू है हमारी चर्चा का, व्हाई यू शुड प्रीफर आवर प्लेटफॉर्म, आप हमारे साथ क्यों जुड़े हैं। देखिए आपको बताऊं, पहली बात कि हम आपको बेहद कम फी में, मतलब आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे इतनी कम फी कि अगर कोई स्टूडेंट कहीं कोचिंग क्लास ज्वाइन कर भी लिया हो और उसे लग रहा हो कि नहीं मैं छला छला सा महसूस कर रहा हूं, ठगा ठगा सा महसूस कर रहा हूं, जैसी एक्सपेक्टेशन के साथ हमने क्लासेस ज्वाइन की थी शायद उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसे भी कोई बर्डन नहीं होगा इस क्लास को ज्वाइन करने में। 8 से 10 महीने तक नियमित रूप से आपकी पर डे 3 से 4 घंटे की क्लासेस जाएगी। सिविल सर्विसेज का पूरा सिलेबस, प्रीलिम्स मेंस जो कि काफी इलैबोरेटिव सिलेबस है, बड़ी ही इंटेंसिव तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, गहनता से आपको पढ़ाया जाएगा। जो एक्सपर्ट्स आएंगे आप खुद उनका आकलन कर सकेंगे कि वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट मुद्दों पर बात होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेंगी, बकवासबाजी लगभग आप नहीं पाएंगे यहां। वैसे भी इंग्लिश मीडियम क्लासेस में बकवासबाजी जैसा मैंने आपको बताया बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। अगर इसके समतुल्य आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने को अगर सोच रहे हो तो आप ये तय मानिए कि कम से कम 30 गुना ज्यादा फी आपको चुकता करनी पड़ेगी। फी ना सही, पूरे खर्चे वहन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए तभी क्या होगा, अगर इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करना है तो आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा, बड़े शहर की किसी नामी गिरामी कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा जहां भारी भरकम पहले से फी होती है, और साथ में अपने गांव से दिल्ली कोचिंग करने तो जाएंगे नहीं रोज रोज, वहां रहना भी पड़ेगा। फूडिंग प्लस लॉजिंग की जो कॉस्टिंग आती है आप अगर इसे जोड़ लें तो मुझे लगता है 2.5-3 लाख तो यही हो जाएगी एक साल की। 1.5-2 लाख आप कोचिंग में देंगे, यानी साल भर का 5 लाख का स्कीम बना के चलेंगे तो बात बनेगी। और अपेक्षानुसार जो अपेक्षित डेवलपमेंट आप में आना चाहिए अगर वो नहीं आ पाया तो फिर आप खुद को चीटेड महसूस करेंगे। हमारे साथ कम से कम इस बात का डर नहीं रहेगा, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है, सारे लेक्चर्स आप तक पहुंचेंगे, टाइमली पहुंचेंगे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, पहले से आपके पास शेड्यूल का खाका होगा कि कब से कब तक किस सब्जेक्ट की क्लास चलनी है, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्वेरीज होंगे उन्हें देन एंड देयर शॉर्ट आउट किया जाएगा, पर्याप्त कंटेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे यहां से, फूडिंग लॉजिंग का कहीं खर्च नहीं वहन करना है आपको, घर में बैठे पढ़ेंगे, यही तो सोशल मीडिया के फायदे हैं। सोशल मीडिया के फायदे ये नहीं कि फेसबुक और ट्विटर पर जाकर गालियां बके लोगों को, तो ये सारे पक्ष हैं जो मैं पिछले 1 घंटे से आपके सामने रख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कई सारे जो आपके दिमाग में मिथ चल रहे होंगे, डाउट्स चल रहे होंगे, वो क्लियर हो चुके होंगे। सो ओके गाइस, मिलता हूं आपसे फिर, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।